अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर कतर से आ रही है, कतर के बादशाह तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत को दोस्तों मदद भेजा है कल के दिन। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, 400 टन मेडिकल एड को भेजा गया अपनी कार्गो फ्लाइट में। और सबसे अच्छी बात उसमें दोस्तों, ये बिल्कुल कोई भी पैसा भारत से नहीं लिया जाएगा, कतर द्वारा ये मदद भेजी गई है। अगली खबर साथियों जो आ रही दोस्तों, MADL से, जिसे मालसा भी कहा जाता है, उनके तरफ से कहा गया कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन के बिना या पब्लिसिटी के बिना प्राइवेट एसोसिएशन या फाउंडेशन मतलब निजी संघ संस्था की एक्टिविटी चालू करेगा उसे 1 साल की जेल या फिर 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों होता क्या कि कतर में बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी के पूछे बिना मतलब कुछ भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इसी के लिए दोस्तों वहाँ पे MADLS द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि जो भी रजिस्ट्रेशन या पब्लिसिटी के प्राइवेट एसोसिएशन फाउंडेशन को स्टार्ट करेगा उसे जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर 1 साल का जेल या फिर दोनों आपको सजा हो सकती है। अगली खबर साथियों आई दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको कि HMC में फाइजर और मॉडरेना, जिसे बताया गया है जो HMC के दोस्तों जो हेड है डॉक्टर साहब, उन्होंने अल सभा साहब, उन्होंने बताया कि फाइजर और मॉडरेना जो वैक्सीन जो लगाया जा रहा है उनमें से जो दोनों वैक्सीन जो है वो 95% कारगर है कोरोना वायरस से बचाने के लिए। और दोस्तों 5% की मतलब वो नहीं कह सकता, पर 95% बताया जा रहा है ये बिल्कुल कारगर है, उससे कोई नुकसान नहीं हो, कोरोना वायरस से बचाया जा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक ये दोनों वैक्सीन जितने लोग कतर में अभी तक लिए हैं उनमें से किसी की अभी तक इसमें जान वगैरह जो है वो नहीं गई है। और जो लोग भी दोस्तों COVID-19 का वैक्सीन जो अभी नहीं लगा है वो 61% अभी खतरे में घिरे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं लगाते हो तो आप भारी मुसीबत में आप पड़ सकते हो। तो दोस्तों अभी तक बताना चाहूँगा मैं, 15 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा चुके हैं। कल के दिन करीब करीब 30,000 लोगों को COVID-19 का वैक्सीन जो है वो दिया गया, वो अब तक के सबसे ज़्यादा वैक्सीन कल के दिन में दिया गया था। तो साथियों यदि आपने अभी तक नहीं लिया, यदि आप लेने के लायक हो चुके हैं तो जल्दी से जाइए MOI के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराइए और वैक्सीन ले आप वैक्सीन वगैरह जो है ले सकते हैं। अगली खबर साथियों, क्वारंटाइन रूल चेंज होने वाला। दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, क्वारंटाइन रूल को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कल के दिन मैंने वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, वीडियो को जाके देख लीजिए, आपके लिए देखना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी का जो क्वारंटाइन दोस्तों जो बुकिंग था वो कैंसिल कर दिया गया, ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों कितना चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों कतर गवर्नमेंट को सऊदी अरेबिया ने वहाँ पर निमंत्रण भेजा है किसी चीज़ में अटेंड करने के लिए। तो तमीम अहमद बिन थानी साहब वहाँ कल जाने वाले हैं और वहाँ पर सऊदी अरेबिया वहाँ पे अटेंड करेंगे। एक खबर साथियों आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही दोस्तों, जितने भी लोग वहाँ पे COVID-19 का वैक्सीन जो पहला डोज ले चुके थे, तो होता क्या था कि दूसरा डोज लेने के लिए आपको जाना पड़ता था अलवकरा या फिर लूसेल में, यही दोनों जगह आपको दिया जाता था। तो वहाँ पे दोस्तों अभी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा रश, यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ अभी चल रही है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में हो सकता है कि प्राइमरी हेल्थ कॉरपोरेशन से आपके मोबाइल पर मैसेज आए कि जहाँ पर आपने COVID-19 का पहला डोज वैक्सीन आपने लिया था वहीं से जाके दोबारा दूसरा डोज भी आप ले सकते हैं। तो अपने मोबाइल पे आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपने पहला डोज ले चुका है तो फिर वहाँ पे जाके दूसरा डोज को आप ले सकते हैं जहाँ पे आपने पहला डोज लिया था, क्योंकि अलवकरा में और लूसेल में काफ़ी ज़्यादा फिलहाल अभी भीड़ भाड़ चल रही है, इसी के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों ने स्टूडियो पहला।